उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया था। दोनों सदनों से बजट पास होने के बाद विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव के साथ विधानसभा के सदस्यों का फोटो सेशन किया गया था। विधानसभा के बाहर खींची गई इस तस्वीर में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं थे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जाए। क्या वो लोग आए नहीं या उन्हें बुलाया नहीं गया? क्या मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व नहीं है? क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं? इससे पहले 3 मार्च को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस फोटो को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये तस्वीर लोकतंत्र का सौहार्द है। इसके बाद 5 मार्च को अखिलेश यादव ने इस तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फोटो में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल क्यों नहीं हैं? इसको लेकर सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र 11 दिन चला। इस दौरान सिर्फ 36 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 18वीं विधानसभा का ये 4था सत्र था। इसमें कुल 83 घंटे 15 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सिर्फ 36 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने होली की शुभकामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी है।